अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हमें एक फंक्शन दिया है यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, जबकि ये ए बी जो है ये कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। सो वी नीड टू फाइंड डी यू बाई डी वी एंड डी वी बाई डी यू, यानी ये इस फंक्शन को हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, ठीक है। तो इससे डिवीजन ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। इसको जब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बी स्क्वेयर यू स्क्वेयर रह जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर रह जाएगा, ठीक है। इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब इस इक्वेशन को मैं विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट करता हूँ और फिर विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करता हूँ। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डी यू बाई डी वी। सो वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड of equation 1 with respect to v, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा इसमें ये d by dv b square u square plus d by dv a square v square is equal to d by dv a square b square, ठीक है। अब ये चूंकि कांस्टेंट मल्टीपल है, ये b कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लेके और ये यू स्क्वेयर की हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी मालूम करेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से करता हूँ। ये ए स्क्वेयर कांस्टेंट मल्टीपल है तो इसको आप बाहर लिख के ये वी स्क्वेयर और वी चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव ज़ीरो होती है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर ले कि ये वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वी है, तो यू स्क्वेयर की डेरिवेटिव यू होगी, लेकिन ये चूँकि विद रिस्पेक्ट टू वी है तो ये इनर फंक्शन होगा और हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डी यू बाई डी वी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू इसी वेरिएबल के हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका फिर इनर फंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है, ठीक है। तो ये टू वी, इसकी डेरिवेटिव टू वी होगी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये टू बी स्क्वेयर यू डी यू बाई डी वी और ये जो है टू ए स्क्वेयर वी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वी नीड टू फाइंड डी यू बाई डी वी। तो ये जो फंक्शन है, ये जो एलिमेंट है, इसको आप उस तरफ लिख के टू बी स्क्वेयर यू डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वेयर वी हो जाएगा। अब दोनों तरफ को हम डिवाइड करेंगे टू बी स्क्वेयर यू पे, तो डी यू बाई डी वी डेरिवेटिव हम गेट कर सकेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई टू बी स्क्वेयर यू। तो यहाँ पे ये डी यू डिवाइडेड बाई डी वी बराबर है, टू एंड टू कैंसिल ईच अदर, तो ये डी यू बाई डी वी इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर वी डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर यू, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट नंबर बी है, इसमें कहते हैं कि आप डी वी बाई डी यू फाइंड करें। इसमें कहते हैं कि डी वी बाई डी यू फाइंड करें, तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको ट्राई करें। ये फंक्शन लें, इसको विद रिस्पेक्ट टू यू आप डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट किया, अब आप इसको क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन होगा ये वाला, ये 2u हो जाएगा, फिर अगेन इसकी डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये 2v अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो dv by du होगा, और इसी स्टेप से फिर आप dv by du फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है।